नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम IRCTC कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो IRCTC स्टॉक में अभी देखेंगे कि क्या ये स्टॉक में इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है, या तो फिर कौन सा लेवल का इंतजार करना चाहिए, और आगे चल के यहाँ पे क्या हम रिटर्न का उम्मीद रख सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम बात करेंगे। जिन लोग को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्डिंग बनाना है, तो उनको कौन सा लेवल पे बाई करना चाहिए, कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकता है, जो कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक को कैसे एक सही लेवल पे बाय करते हैं और कौन से टारगेट तक लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में अगर हम पोजिशन बनाते हैं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से अगर हम अच्छे कंपनी के अगर सही लेवल पे बाय करते हैं, तो आगे चल के हमें वहाँ पे एक अच्छा सा रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे IRCTC के बारे में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर हम डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 19,75,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, और डिलीवरी उठाया गया लगभग 8 लाख क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 40% का डिलीवरी हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ में जब हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आ जाते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे देखिए 50,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 59% का है। उसी के साथ में जब स्टॉक का पी के बारे में बात करेंगे, तो अभी भी 51 पे है, हायर प्रीमियम पे ट्रेडिंग होता है। उसी के साथ में जब हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पे 3.3% का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब स्टॉक का लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे, तो 1279 स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है। स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 628 पे, बिल्कुल एक 50% डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ में जब हम बात करेंगे प्रमोटर के पास में, यहाँ पे 62% का होल्डिंग देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब हम देखेंगे प्रमोटर प्लेज भी 0 देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं, तो स्टॉक में लाइफ टाइम हाई से तो बिल्कुल 50% डिस्काउंट पे आ चुका है। उसी के साथ में जब क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में जब हम देख रहे हैं, तो 965 करोड़ का कंपनी का सेल्स है, जो कि मार्च के क्वार्टर में अगर हम उसी हिसाब से देखेंगे, तो अभी तक का जो सेल्स देखने को मिला है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स भी हमें देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, तो 279 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से ग्रोइंग हो रहा है। उसके साथ में सबसे हाईएस्ट भी नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। उसी के साथ में जब हम यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में देखते हैं, तो 1006 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। उसी के साथ में सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो 4 क्वार्टर में, लास्ट 4 क्वार्टर में 3541 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं, तो स्टॉक ने पिछले 3 साल में जब से IPO आया है, तो क्या अच्छा सा रिटर्न भी कमा के दिया है। लास्ट 3 साल में 30% सीजर के हिसाब से ग्रोथ दिया है। उसी के साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 साल में 35% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। उसी के साथ में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। उसके साथ में जब हम कंपनी का बैलेंस शीट पे आके देखते हैं, कंपनी के पास में रिजर्व कितना है, 2318 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, और बोरोइंग कितना है, ओनली 84 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब हम देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, प्रमोटर के पास में 62.4% का होल्डिंग है, FII के पास में 6.5% का होल्डिंग है, DI के पास में 10% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में 21% का होल्डिंग देखने को मिलता है। उसी के साथ में जब हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल एक अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है। जब से IPO आया है, तो अगर हम एडजस्टमेंट के साथ में देखते हैं, तो 155 से लेके स्टॉक यहाँ पे 4 गुना रिटर्न दे चुका है, ठीक है ना। तो अभी 600 रुपये के पास में ट्रेडिंग हो रहा है, तो मतलब लगभग यहाँ पे 4 गुना हो चुका है। उसी के साथ में जब हम देखेंगे, तो अभी चार्ट पैटर्न में जब हम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज को बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, बिल्कुल मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह फेस किया, उसके बाद में तुरंत यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला है। अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो 100 डे का मूविंग एवरेज है, इसको भी ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे सपोर्ट जोन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो दो जोन आपको मैं बताना चाहूंगा, दो जोन के अंदर आपको बाइंग करना चाहिए, जो कि पहला जोन आपका यहाँ पे रहेगा 607 का जोन पे आपको बाई करना है, ठीक है। तो 607 का लेवल पे आपको पहले तो बाई करना है। उसके बाद में जब हम देखेंगे कि स्टॉक में और थोड़ा सा गिरावट होता है, और अगर हम आपको एवरेज करने के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लगता है फिर से आपको वेट करना चाहिए 570 का लेवल, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे 570 मोड पे अगर आप बाई करना चाहते हैं, तो कंजर्वेटिव मोड में इस लेवल का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहला जोन पे बाई करना चाहते हैं, तो 607 आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसी के साथ में जब हम बात करेंगे, तो 41 के पास में RSI भी आ चुका है। उसी के साथ में जब हम पहला टारगेट के बारे में बात करेंगे, तो आपका यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल करके आ रहा है, जो कि 769 आपका पहला टारगेट निकल कर आ रहा है, जो कि 769 के पास में आपको टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो इसी लेवल से लेके 607 से लेके अगर आप यहाँ पे
770 के पास में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको अराउंड एक 26% का आपको गेन देखने को मिल सकता है। और ये जो गेन है ना, आपको हो सकता है विद इन 3 मंथ्स भी अचीव हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी अगर अच्छी कंपनी में अगर हम पोजीशन बनाते हैं, अगर किसी भी रीजन की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहां पे हमें होल्डिंग करना चाहिए। क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनी के साथ में अगर आप बने रहेंगे तो ही आपका पैसे बनेगा। और दूसरी बात है, अगर आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक अगर स्टॉक मूवमेंट नहीं होता है तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पे आपके कहने के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखते हैं तो अगर किसी भी टाइम पे स्टॉक में एक तेजी आता है तो वहां पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात है, अगर किसी भी स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो का किसी भी कीमत पे 5% से होल्डिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना सारा स्टॉक है तो हमें एक ही कंपनी के ऊपर कभी भी बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है। यही सारी चीज आपको सीख के समझ के आपका पोर्टफोलियो ग्रो करना है। अगर अच्छे से अगर पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे ना, मार्केट में पैसा पक्का बनेगा। ऐसी बात नहीं कि मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, मार्केट में वही लोग का लूज होता है जो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग बनाते हैं तो यहाँ पे कोई यहाँ पे लॉस की इतना बड़ा गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, किसी से उधारी लेके, किसी से लोन लेके आपको बिल्कुल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपके जॉब के साथ में आपका पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहना है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को एक सही लेवल पर बाय करना है, और आपने जब टारगेट के पास में आ जाएगा उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरा स्टॉक की तरफ शिफ्ट होना है। यही सारी चीज़ सीख के समझ के कीजिए, मार्केट में पक्का पैसे बनता है। लेकिन जो लोग इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो वही लोग सबसे बड़ा लॉस करते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए। या तो फिर अगर आपके पास में है, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, बिल्कुल इतना बड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपको बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-2 साल भी इसको होल्ड करने चलेंगे, अगर 1-2 साल होल्ड करके रखेंगे तो भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तक 2 साल के बाद में जाएगा। अगर आप इसी करंट लेवल से अगर लाइफ टाइम हाई तक भी अगर आप देखते हैं तो सीधा सीधा 100% का गेन है। अगर आपको 3 साल भी लगता है इसमें 100% गेन के लिए, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप हर 3 साल में पैसे डबल बनाते हैं ना तो भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में जाना है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और जो कंपनी का लगातार सेल्स ग्रोइंग हो रहा है और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोइंग हो रहा है और मार्केट में एक सस्टेनेबली बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी कंपनी के साथ में आप रहिए, पक्का पैसे बनेगा। हो सकता है मार्केट आपको 3 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए थोड़ा सा पेन दे सकता है, लेकिन उसके बाद में ओवरऑल जब मार्केट में रिकवरी आएगा तो आपका स्टॉक में भी जरूर रिकवरी आएगा और आगे चल के एक बहुत बड़ा रिटर्न आपको कमा के दे सकता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, आप मेरे साथ में पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ में सीख के समझ के अगर आप मार्केट में पैसे लगाते हैं, मार्केट में बहुत बड़ा रिटर्न आपको बनाने का एक जरूर एक ये होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज को जरूर आप फॉलो कीजिए। लेकिन यहां पे मेरा कुछ यहां पे बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।